फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिवाली की जो डेकोरेशन लाइट होती है उसके लिए आपको एक चेसर मशीन बना के दिखाऊंगा। इस मशीन को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट से जो मशीन वाली डेकोरेशन लाइट आती है उसे अगर आप खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये से ऊपर की मिलेगी, लेकिन हमने ये 100 रुपये की 4 पीस हमने सिंपल वाली लाइट खरीद ली है। तो अगर मैं 4 पीस मशीन वाले खरीदता तो मुझे 400 रुपये के पड़ते, लेकिन इससे कम बजट में हम घर पर चेसर मशीन बना के काफ़ी सारी लाइट को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और सेम उसी तरीके से वर्क करेंगी जैसे कि वो मशीन से काम करती हैं। तो इसके लिए मैं एक प्लास्टिक का बॉक्स ले रहा हूँ और 4 कुछ इस तरीके के नट बोल्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पर एक छोटा वाला जो 1 इंच वाला बोल्ट आता है इसका मैं यूज करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना ताकि आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद में मैं एक 5 वोल्ट वाली गियर मोटर यूज कर रहा हूँ। आप इसमें 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की ले सकते हैं। इसका जो व्हील आता है वो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पे पीवीसी पाइप की सीट ले सकते हैं या डायरेक्ट इसकी शाफ्ट के साथ जो मैकेनिज्म मैं इसमें यूज करूँगा उसे आप यूज कर सकते हैं। तो इसे हम इसके सेंटर में फिट करेंगे। तो मैं आपको 80 वोल्ट इसका कनेक्शन बताऊँगा। वीडियो को आप बिना स्किप के देखना। तो इसमें आप काफ़ी सारी लाइट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल जो 4 मेरे पास जलर लाइट हैं उन्हें मैं यूज करूँगा। तो जो नट बोल्ट हैं उनके पीछे मैं वायर को शॉर्ट कर लेता हूँ। तो वायर को आपको नीचे की साइड में इसे पहले थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस के इसके ऊपर सोल्डिंग कर देनी है, और सोल्डिंग करने के बाद आपको वायर को शॉर्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर 4 वायर को शॉर्ट कर लेता हूँ और आपको फाइनली आ गया कनेक्शन दिखाता हूँ। तो मैंने 4 वायर को नट बोल्ट के पीछे की साइड में यहाँ पर शॉर्ट कर लिया है। अब इसके बाद में जो गियर मोटर है उसके नीचे मैंने एक पीवीसी पाइप की सीट लगा दी है ताकि थोड़ा सा ऊपर रहे, और इसे मैं इसके साइड में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो आपको बिल्कुल सेंटर में और थोड़ा सा साइड में इसे लगाना है ताकि हम इसके अंदर जो चार्जर है और भी चीज़ें हम इसके अंदर फिट कर सकें। तो मैं यहाँ पर इसके चारों साइड पर जो नट बोल्ट हमने यूज किए उन्हें मैं यूज करूँगा। आपको जो व्हील मैंने लगाया है इससे आपको करीब 10 mm दूर यहाँ पर जो बोल्ट है उसे आपको सेट करना है, और आपको इन्हें गैप में करना है। थोड़ा सा इनके आसपास यहाँ पे गैप रहना चाहिए और ये टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो चलिए मैं 4 पीस को सेट कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको आगे का कनेक्शन दिखाता हूँ किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो अभी मैंने 4 पीस को ग्लू से चिपका लिए। आप चाहें तो इन्हें नट बोल्ट से सेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक वायर ले लेना है और वायर पे से इसकी जो प्लास्टिक होती है उसे आपको निकाल देना है, क्योंकि हम इसे बिना प्लास्टिक के यूज करेंगे। तभी यहाँ पे जो 4 बोल्ट हैं इनसे ये वायर टच होगा और हमारी जो डेकोरेशन लाइट है वो काम करेगी। लेकिन इसका कनेक्शन काफ़ी आसान है। वीडियो को आप स्किप करके मत देखना वरना आपके समझ में नहीं आया किस तरीके से ये काम करता है। तो अभी मैं इसमें से एक छोटा सा पीस काट लेता हूँ, और उसके बाद में जो हम 1 इंच वाला बोल्ट इसमें यूज कर रहे हैं इसके नीचे की साइड में हम इस वायर को सेट करेंगे। आप इसमें कॉपर का वायर सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कोई पत्ती लगा सकते हैं। वायर आसानी से सेट हो जाएगा इसलिए मैं वायर को यूज कर रहा हूँ। तो वायर को मैं इसके नीचे की साइड में सेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको वायर को सेट कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको जो दूसरा नट है इसे आपको ऊपर से टाइट कर देना है ताकि ये वायर निकले ना। आप चाहें तो इसे हॉट ग्लू से चिपका सकते हैं। तो अभी मैं जो ऊपर का बोल्ट है इसे मैं कस लेता हूँ। इसे हम यहाँ पर जो फ्लाईव्हील हमने लगाया है इसके ऊपर सेट करेंगे बिल्कुल सेंटर में, ताकि जब मोटर घूमे तो ये चारों जो बोल्ट हमने लगाए हैं उनसे टच हो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से एक्स्ट्रा वायर को मैं कट कर दूंगा। एक पत्ती मैंने यहाँ पे यूज की है और उसमें मैंने एक वाशर को सोल्ड कर लिया है। ये मैंने इसलिए किया है कि डायरेक्ट जो एसी लाइट का वायर होगा वो बोल्ट से यहाँ पर टच होगा, और जैसे यहाँ पर मोटर घूमेगी तो जो एसी लाइट का कनेक्शन है वो हर एक बोल्ट से टच होगा। तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से जो पूरा मैकेनिज़म है उसे बना रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्ती मैंने ली है उसे मैं कुछ इस तरीके से सेट करूँगा। जब मोटर घूमेगी तो एसी लाइट का जो करंट होगा वो बोल्ट के थ्रू चारों बोल्ट पे बारी बारी से टच होगा। तो इसे आपको एक वायर के थ्रू सोल्ड करके पत्ती को इसे थोड़ा सा यहाँ पे दूर कर देना है चारों बोल्ट से। तो इस पूरे सर्किट को आपको प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर बनाना है ताकि आपकी पूरी सेफ्टी रहे, और आपको किसी वायर को हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि इस पूरे सर्किट में एसी करंट रहेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पत्ती पे और जो बोल्ट है उसमें मैंने हॉट ग्लू लगा लिया है। अब इसे मैं फ्लाईव्हील के ऊपर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो जब यहाँ पे बोल्ट घूमेगा तो यहाँ पे जो वायर है वो हर एक बोल्ट से टच होगा, और उसी के थ्रू यहाँ पे सभी जो झल्लर लाइट होंगी उन पे करंट पहुँचेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेट हो चुका है। तो एक बार हमारा जो यहाँ पे मेन वायर रहेगा एसी लाइट का वो डायरेक्ट पत्ती के साथ रहेगा और वही यहाँ पे सभी झल्लर लाइट पहुँचेगा। इसके बाद में मैं एक चार्जर ले रहा हूँ
चार्जर को मैं जो डीसी मोटर हमने लगाई है उसे चलाने के लिए यूज करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसे मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। ये 5 वोल्ट का है। आप इसमें स्पीड कंट्रोल के थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, उससे आप मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे चला के देखूँगा, उसके बाद में मैं आपको 12 वोल्ट का जो कनेक्शन होगा उसे भी बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास 12 वोल्ट की गियर मोटर होती है तो उससे आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो डीसी मोटर है उसका कनेक्शन कर लिया है। तो जो चार्जर के एसी लाइट के वायर हैं उसे हम झल्लर वाली लाइट के साथ ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एसी लाइट से यहाँ पर चार्जर भी ऑपरेट होगा। तो इनको मैं छील लेता हूँ और आपको कनेक्शन बता देता हूँ। तो जो पत्ती वाला वायर है उसे आपको चार्जर के किसी भी एक वायर के साथ शॉर्ट कर देना है, ये यहाँ पर डायरेक्ट एसी लाइट में टच होगा। और दूसरा जो वायर होगा वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको उसका कनेक्शन करना है। तो अभी हम इसमें मैं आपको झल्लर लाइट को कनेक्शन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको झल्लर लाइट को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे जो इसके सभी प्लग हैं उन्हें आपको काट देना है। अगर आप इसमें सॉकेट यूज करना चाहते हैं तो सॉकेट ले सकते हैं, उसमें आप प्लग को डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इनके जो प्लग वाले वायर हैं उन्हें मैं अलग कर लेता हूँ। सभी के आपको प्लग वाले वायर आपको अलग कर लेने हैं और उसके बाद में इनका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो सभी जो झल्लर लाइट होंगी उनका एक वायर आपको यहाँ पे आपस में सभी का एक कनेक्शन कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे जो हमने 4 बोर्ड लगाए हैं उनमें आपको एक एक वायर दे देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी के प्लग को काट दिया है। अब सभी वायर को मैं एक साथ यहाँ पे जो बॉक्स हमने यूज किया है उसके अंदर मैं एक छेद करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और उसके बाद में आपको इनका कनेक्शन डिटेल्स में समझा देता हूँ किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसका कनेक्शन सही तरीके से नहीं किया तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं इसका कनेक्शन करूँगा। तो मैं नीचे की साइड से इसमें एक छेद कर लेता हूँ और उसमें से सभी वायर को अंदर की साइड में फंसा देता हूँ। इसमें हम बाद में स्पीड कंट्रोल भी लगाएंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको कनेक्शन करने में दिक्कत ना आए। तो ये यहाँ पे जो एसी लाइट का प्लग है इसे हम बाद में कनेक्शन करेंगे, पहले मैं आपको झल्लर का कनेक्शन बता देता हूँ। तो इसके साथ आप और भी बोर्ड लगा सकते हैं इसकी साइड में, और इससे ज़्यादा आप झल्लर इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सभी वायर को अंदर की साइड में देख सकते हैं निकाल लिया है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आपको सभी वायर को छील लेना है, और उसके बाद में आप चाहें तो इस पर जो फाइबर स्लिप आती है उसे इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो टेपिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले जो फाइबर स्लिप है उसे आपको इसके अंदर सेट कर देना है, उसके बाद में आपको सभी जो वायर हैं उन्हें आपको आपस में सेट करके आप चाहें तो उस पर सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलिए सभी का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो आपको सभी जो झल्लर हैं उनका एक एक वायर आपको जो चारों नट बोल्ट हैं उन पे आपको सेट करना है, उन्हीं के वायर पे आपको सभी झल्लर का एक एक वायर आपको सेट कर देना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सभी जो झल्लर हैं उनका एक एक वायर आपको जो नट बोल्ट हमने यूज किए हैं उनके एक एक कनेक्शन पर अच्छे तरीके से कनेक्शन करके आपको सेट कर देना है, और ऊपर से आपको जो फाइबर स्लिप है उसे भी आपको लगा देना है ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी का जो कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो सभी झल्लर का एक एक वायर बचेगा उन चारों वायर को आपको एक साथ यहाँ पे जोड़ देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो चारों वायर बचे हैं इन्हें हम एक साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, और इनका कनेक्शन फ्रेंड्स आपको पत्ती के साथ नहीं करना है, इनका कनेक्शन आपको जो चार्जर का एक और वायर बचा है उसके साथ करना है, और जो प्लग हम इसमें यूज करेंगे उसके एक वायर के साथ। तो एक वायर तो हमारा डायरेक्ट सभी झल्लर के जो एक एक वायर बचेगा उस पर पहुंच जाएगा, और जो दूसरा वायर है वो हमारा मशीन के थ्रू चारों बोर्ड से बारी बारी से टच होगा, जो कि हम पत्ती में यूज करेंगे एसी लाइट का एक वायर। और आपको जो एसी लाइट के दोनों वायर होते हैं वो आपको चार्जर में डायरेक्ट दे देने हैं, चार्जर क्योंकि एसी सप्लाई से डायरेक्ट यहाँ पर चलेगा तो उसमें आपको कोई भी अलग से कनेक्शन ऐसा नहीं करना है, उसे आपको डायरेक्ट एसी लाइट से चलाना है। तो अभी जो एक वायर है वो हम डायरेक्ट जो चारों झल्लर का एक वायर है उसमें कनेक्शन करेंगे, और दूसरे वायर को हम पत्ती के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा कनेक्शन कर देना है। अगर आपको कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए सभी जो फाइबर स्लिप हैं उन्हें मैं सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसके जो आगे की फिटिंग है उसे बता देता हूँ किस तरीके से आपको 12 वोल्ट का जो स्पीड कंट्रोलर है उसका कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे इसे तो जो मोटर है वो अपनी स्पीड में चलेगी, आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, हो सकता है ये ज़्यादा तेज़ चले। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको इसमें 12 वोल्ट का जो स्पीड कंट्रोलर है वो आपको यूज करना चाहिए। तो मैंने आगे इसमें 12 वोल्ट का स्पीड कंट्रोलर लगा लिया, मैंने इसे चेक करके देखा तो ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा था,
तो मैंने इसमें से मोबाइल चार्जर को निकाल के एक 12 वोल्ट का एडेप्टर लगा दिया है, और 12 वोल्ट का जो एडेप्टर के 12 वोल्ट वाले वायर होते हैं वो मैंने स्पीड कंट्रोल के इनपुट वाले पॉइंट पे दे दिए हैं, और जो आउटपुट वाले पॉइंट हैं उनमें मैंने डीसी मोटर को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो इससे हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो बाकी के कनेक्शन है वो सेम है जैसे मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पे एसी लाइट का जो प्लग है देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने मोटर के फ्लाईव्हील के ऊपर एक बोल्ट यहाँ पे सेट किया है वो यहाँ पे बॉक्स में अच्छी तरीके से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें मैंने एक छेद करके ऊपर की साइड से कैप लगा दिए ताकि ऊपर की साइड में हाथ से टच ना हो, और इस तरीके से जब मोटर घूमेगी तो चार बोल्ट से इसका जो वायर है वो टच होगा और उसी के थ्रू यहाँ पर जो सभी झलर हैं उन्हें दूसरा जो वायर है उसका कनेक्शन मिल जाएगा और वो ऑन होंगी। तो जितना आप स्पीड में मोटर घुमाएंगे उतना स्पीड में यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो काम करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो बोल्ट है वो ऊपर से कवर हो रहा है, तो आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, आपको इसे हाथ से टच नहीं करना है और ना ही आपको बॉक्स को ओपन करके इसे चलाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स ये काम कर रही है। मैं आपको स्पीड को कम ज़्यादा करके भी दिखाऊँगा, अभी ये नॉर्मल स्पीड में चल रही है। तो अगर आप इसमें 12 वोल्ट की मोटर यूज़ करते हैं तो आप इससे और लाइट को कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे आप इसमें अभी भी एक दो पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं, एक दो लाइट और एक्स्ट्रा चला सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी जो डेकोरेशन लाइट है वो काम करती है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से मोटर का फ्लाईव्हील घूमता है और बारी बारी से जो वायर है वो टच होता है तो वो यहाँ पर जो झलर है वो ऑन हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। मैं आपको स्पीड को कम ज़्यादा करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो चलिए मैं आपको इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। वैसे ये मोटर 5 वोल्ट की है तो मैं इसे ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकता क्योंकि 12 वोल्ट के एडाप्टर से ख़राब हो जाएगी। आप इसमें 12 वोल्ट की मोटर यूज़ करना, तब यहाँ पे आप इसे इसकी स्पीड को अच्छी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे नॉर्मल स्पीड में चला सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट की मोटर ख़राब हो सकती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तब भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हैं। और काफ़ी आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं, जो भी पार्ट्स हमने इसमें यूज किए हैं वो आपको घर पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्पीड कंट्रोल नहीं है तो आप इसमें 5 वोल्ट का चार्जर लगा के भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तब भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।